हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिमन्यु एंड अभिपीडिया. ऑल ऑफ यू हैव डन गिवन द पेपर टुडे. यू माइट हैव सीन द पेपर, राइट? मतलब यूपीएससी ऑलवेज प्रूव्स इटसेल्फ कि इट इज अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. नाउ इफ यू सी दिस ईयर्स पेपर, इट इज़ अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम द लास्ट 3-4 ईयर्स ट्रेंड. एवरी ईयर some new thing is given by UPSC. But if I see this year's paper, it is, I brand it very good paper as compared to last year or last to last year, which had lot of irregularities in terms of a candidate or in terms of preparation, in spite of whatever the strategy of UPSC is. But this paper is quite, each and every question is meticulously framed and इट इज़ वेल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द प्रिपरेशन कि यस, हाँ बच्चा इसको तैयार कर सकता है. और शायद तो आपको भी देख के पेपर लग रहा हो कि हाँ, ये तैयारी के मेरे प्रीव्यू में है कि हाँ, इफ़ आई हैव प्रिपेयर्ड वेल तो डेफिनेटली आई कैन स्कोर मोर इन दिस एग्जाम. डेफिनेटली इट विल बी टू अर्ली टू फॉर मी टू कमेंट ऑन द कट ऑफ. वो आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ गया, सर कट ऑफ बताएंगे कि यहाँ इतनी कट ऑफ हो जाएगी. तो अभी रुक जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कट ऑफ अभी जानने. पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पेपर. Now this lecture will be useful for the people who have given the paper as well as who are aspiring to give next year or next to next year, because it is very important to understand कि UPSC आपसे क्या चाह रही है और आप कैसे तैयारी करें और अपनी तैयारी को किस तरह से अलाइन करें, right? Now if we let us first of all take up a macro analysis, है ना, कि एक कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से इस बार आए हुए हैं. तो in that terms the पेपर इज क्विट बैलेंस्ड दिस ईयर. जैसे आप लिख लें, चाहे इंडियन इकॉनमी में से, इकॉनमी के अंदर से आपके 16 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. देन सेकंड सेक्शन इज पॉलिटी. इन पॉलिटी 14 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. इसमें से एक आधे क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, बिकॉज आई कीप एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी. And some other person may keep evolution of constitution as a part of history also, है ना. तो कोई इतना फ़र्क नहीं है इसमें, एक दो क्वेश्चन का आगे पीछे होने का संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं. और पॉलिटी के अंदर आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द गवर्नेंस पार्ट. कोई अगर गवर्नमेंट स्कीम्स पे जो दो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने पॉलिटी के अंदर इंक्लूड किए हैं. नाउ थर्ड सेक्शन इज ज्योग्राफी. नाउ फ्रॉम ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. एंड देन नेक्स्ट सेक्शन इज हिस्ट्री. अगेन इन हिस्ट्री 15 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. आप देखिए कितनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड देन फ्रॉम एनवायरनमेंट दिस ईयर स्लाइटली द स्ट्रेस इज कंपैरेटिवली लेस. एंड ऑन एनवायरनमेंट 9 क्वेश्चन आर देयर. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कि कोई आर्ग्यू करे 9 नहीं है, 11 है, 12 है, डजेंट मैटर, बिकॉज अ क्वेश्चन सी एनवायरनमेंट के अंदर वी ऑल्सो इंक्लूड इकोलॉजी विच इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल दोज थिंग्स. सो समटाइम्स देर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन जनरल साइंस की क्वेश्चन बॉटनी का है या जोलॉजी का है, या इसको बायोडाइवर्सिटी में रखा जाए, है ना. तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे तो थोड़े से साइंस के कम हो जाएंगे. साइंस में जो टिपिकल साइंस एंड टेक है, जिसके अंदर स्पेस आ गया आपका, न्यूक्लियर आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गया, तो जो साइंस एंड टेक है, इन फ्रॉम साइंस एंड टेक 13 क्वेश्चन आर आस्क्ड. एंड फ्रॉम जनरल साइंस विच इंक्लूड्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टिपिकल, इसमें से 7 क्वेश्चन आए हैं. अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन बॉटनी या जोलॉजी के हैं, सम पर्सन में से कि नहीं, वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है, डजेंट मैटर, हार्डली मैटर्स. तो वहाँ पे 12-13 हो जाएंगे, तो हार्डली मैटर्स, राइट. तो एंड वन सेक्शन विच इज डेविएशन दिस ईयर इज इंटरनेशनल अफेयर्स. अगर आप पिछले 5-6 साल का पेपर देखेंगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स से इतने क्वेश्चन नहीं आते. सो दे हैव इंक्लूडेड 11 क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स दिस ईयर, विच इज क्वाइट बिग अमाउंट. दो क्वेश्चन तो UNO पे आए हैं, फिर और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे, फिर कंट्रीज पे क्वेश्चन आए हैं जो हैपनिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो इस बार जो एनवायरमेंट इंटरनेशनल अफेयर्स का जो प्रिपरेशन है, दैट वॉज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉड बेस्ड. खैर वो सब करंट अफेयर्स में आप लोग करते ही हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि वो अटैम्प्ट नहीं हो सकते. जिसने द पर्सन हु आर फेयरली रेगुलर विद करंट अफेयर्स, तो वो है.
आने वाले लेक्चर्स में आई विल ऑल्सो गिव यू स्पेसिफिक नंबर की करंट अफेयर के, टिपिकल करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने थे, इसको प्रॉपरली समझेंगे हम. नाउ लेट अस सी कि हर सेक्शन का जो जनरल स्टडीज का सेक्शन था उसका करेक्टर ऑफ क्वेश्चन कैसे थे, है ना, सो दैट यू हैव आइडिया कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. नाउ फर्स्ट लेट अस टेक इकॉनमी. इकॉनमी में सी एज द क्वेश्चन वर प्रीवियसली आस्क्ड उसी तरह से ट्रेंड रहा. कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं विच रिक्वायर्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ इकॉनमी, लाइक इन्फ्लेशन पे आ गया या कोई बैंकिंग सिस्टम पे, मतलब एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि इकॉनमी वर्क कैसे करती है आपकी. एंड सेकेंडली, सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आर द अप्लाइड क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई स्कीम है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो वही एक ट्रेंड चल रहा है इकॉनमी में, एंड फेयरली अटेम्प्टेबल क्वेश्चन मैं मानता हूँ इकॉनमी के. कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे. अगर 16 क्वेश्चन थे तो उसमें से 12-13 अटैम्प्ट करने वाले इजीली थे, राइट. नाउ सेकंड इंटरेस्टिंग एरिया हैज़ बीन पॉलिटी. पॉलिटी में जो वेगनेस पहले होती है, जैसे लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के काफ़ी वेग थे, इस बार वेगनेस कंपैरेटिवली कम है एंड अच्छे क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए. एंड मतलब एक अच्छी प्रिपरेशन वाला बच्चा इसको काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट कर सकता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्वेश्चन को, है ना. तो नेक्स्ट सेक्शन इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में भी एक डिपार्चर है. ज्योग्राफी में जैसे पहले प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे काफ़ी स्ट्रेस रह रहा है, इस बार भी है, लेकिन इस बार कन्वेंशनल क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के काफ़ी पूछे गए हैं. अगर मैं आपको पेपर दिखाऊँ साथ साथ में, तो अब इकोनॉमी का अगर आप देखो पेपर, इकॉनमी का अगर आप पेपर देखते हो तो इसी, अब ये देखिए एक एक ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं. विद रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट तो आप ही कर सकते हो. रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ये है आपका अप्लाइड क्वेश्चन, है ना. अब ये देखिए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये हर बार क्वेश्चन इस तरह का एक आ जाता है एक्सचेंज रेट के ऊपर, ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है. एंड हमने अपने ट्रेंड में भी बताया, मैंने अपने पहले भी एनालिसिस में बताया है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी हर बार पूछ ही रही है. अब ये इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, ये हर बार यूपीएससी आप देखोगे इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक बना देती है. ये रियर पे और नियर पे हर बार एक एक्सचेंज रेट पे कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आ रहा है. ये भी एक आजकल एक स्ट्रेटजी है ऑफ आइडेंटिफाइंग दी कुछ कोर एरियाज की, हाँ इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है. तो वो क्वेश्चन इस बार भी दिख रहे हैं मुझे सारे जो ट्रेंड है, है ना. तो ऐसे ही फर्स्ट सेक्शन इस वाला जो पार्ट है इसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए. अब आप देखिए पॉलिटी का अगर एग्जांपल लूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंसीज, है ना. तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन आ गया ना, टिपिकल क्वेश्चन आ गया. ये अच्छे क्वेश्चन है पॉलिटी के, अटेम्प्ट करने वाले हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन आ गया एक, ये रैंक्स ऑफ द मिनिस्टर्स के ऊपर आ गया, ये सब करके जाते हैं. यहाँ अटॉर्नी जनरल पे आ गया क्वेश्चन देखो, है ना. आयुष्मान भारत पे हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई छोटा मोटा पूछ ही लेते हैं. डिप्टी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन, हर डिस्ट्रीब्यूट करके कोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन, है ना. बड़ा इंटेलिजेंट पेपर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके पूछा गया. मैंडमस पे क्वेश्चन आ गया देखो. तो मतलब आइडिया इसकी ये जो आपको बताया जा रहा है कि ये फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन डल रहे हैं, आ रहे हैं. तो अगर ज्योग्राफी वाला एरिया लूँ, आप देखो ज्योग्राफी के अंदर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये कुछ एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ गए. अब ये देखो लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, है ना, कैनियन पे आ गया. ये कन्वेंशनल क्वेश्चन जो थे ना पहले नहीं आ रहे थे, ये पीक पे आ गया, ये पीछे आ नहीं रहे थे. ये बॉर्डर्स पे आ गया, अफगानिस्तान का बॉर्डर का एक आधा क्वेश्चन वैसे हर बार आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के भी कुछ कन्वेंशनल मोनोसाइट पे क्वेश्चन देखो. ये लॉन्गेस्ट डे, ये वेटलैंड, ये क्वेश्चन पिछले इयर्स में नहीं आ रहे थे. तो लेकिन अब इन्होंने एक तरह से ज्योग्राफी में भी कन्वेंशनल से क्वेश्चन पूछे. हाँ वो कन्वेंशनल नहीं जो वो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जो हम टिपिकल जियोमॉर्फोलॉजी करते हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नहीं मिल रहे इसमें. देर इज़ नो क्वेश्चन ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स, एयर मासिस, साइक्लोन, वो जो टिपिकल हम करते हैं लैंड फॉर्म्स, डेजर्ट लैंड फॉर्म, ये लैंड फॉर्म, वो लैंड फॉर्म, कुछ नहीं है, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है. वो पिछले 6-7 साल से ट्रेंड नहीं है. एंड आई हैव बीन टेलिंग स्टूडेंट्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस पर नहीं करना है.
हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही, आने को कभी भी आ सकता है, लेकिन यू कैन नॉट पुट अ हार्ट एंड सोल ऑन दोज टॉपिक्स, क्योंकि बहुत टाइम ले जाता है। एंड पिछले 7-8 साल से ट्रेंड है कि वो नहीं पूछ रहे क्वेश्चन उस पर, तो आई थिंक इतना बड़ा ट्रेंड एक बन जाता है कि ठीक है यार नहीं करना बनता ज़्यादा। लेकिन अगर आप वही अप्लाइड क्वेश्चन देखें तो अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अब देखिए सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जो मुझे लगा इन सारे इसमें साइंस एंड टेक का लगा। साइंस एंड टेक रिक्वायर्ड क्वाइट अ गुड प्रिपरेशन, जो टिपिकल क्वेश्चन साइंस एंड टेक के पूछे गए हैं, जो ये सैस के ऊपर आ गया, ये आपका क्यूबिट पे आ गया है ना, ये ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम बायोफिल्म्स पे, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बिना प्रिपरेशन के आप प्रोबायोटिक्स पे आ गया है ना, सोलर फ्लेयर है ना, कोविड पे लोग कर ही रहे हो, क्लाइमेट ट्रैकर है, तो इस तरह से ये और जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी फेयरली एक रीजनेबल हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन नॉट लाइक इन दैट स्पिरिट जो पहले, जैसे पहले नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे दो तीन क्वेश्चन आते थे, वो इस बार एब्सेंट दिख रहे हैं। एलिफेंट पार्क, टाइगर पार्क, वाइल्ड लाइफ, इन सब पे क्वेश्चन अभी इस बार दिखा नहीं कोई ज़्यादा है ना, तो फेयरली, बट क्वेश्चन आप देखेंगे सारे बड़े डेफिनेटिव क्वेश्चन हैं। स्कोप ऑफ जो वेगनेस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इफ़ यू स्प्रेड योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, इफ़ यू इंटेलिजेंटली डिप्लॉय योर रिसोर्सेज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जनरल स्टडीज, एंड विद इन दैट जनरल स्टडीज सेक्शंस आप अपना प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी बना के चलें, तो पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं नहीं कहूँगा, बट लेकिन आई विल स्टिल रिफ्रेन फ्रॉम कट ऑफ, बिकॉज हाउ वी टीचर्स परसीव इट समटाइम्स इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ स्टूडेंट्स विच हु इज एक्चुअली गिविंग द पेपर इन दैट ईयर, वो उसको फील करता है। बट फेयरली एक रीजनेबली कट ऑफ जानी चाहिए, कोई मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ, बहुत कम कट ऑफ वाला पेपर मुझे लगता नहीं है, तो 100+ ही एनविसिस्ड है इसके अंदर, इससे कम नहीं लगता किसी भी हालत में है ना। तो देखिए ये वियतनाम पे क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन आप बड़े इंट्रीगिंग है इस बार, दे आर वेरी स्ट्रेंज कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे वियतनाम पे क्वेश्चन, सूडान पे क्वेश्चन, अफ्रीकन कंट्रीज पे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर यूरोप पे पूछ लिया क्वेश्चन, एक जो मतलब जो एक नया एरिया एक तरह से निकल के आ गया कि हाँ अब देखो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आ गए, तो ये पोलर कोड पे आ गया, यूएन जनरल असेंबली पे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पर आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आसान है ये। हाँ ये है कि हाँ ये कन्वेंशनल एरियाज में से हैं, बट स्टिल इट रिक्वायर्ड अ प्रॉपर इन डेप्थ प्रिपरेशन। चलो बहुत टाइम पड़ा है इसको एनालाइज करने के लिए। हिस्ट्री एज यूजुअल जो है, हिस्ट्री का एज यूजुअल हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वही हिस्ट्री एंड कल्चर जो है इंटरमिंगल्ड क्वेश्चन, संगम पे, रिलीजियस प्लेसेस पे क्वेश्चन वही है, लेकिन वो कन्वेंशनल जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या कन्वेंशनल मॉडर्न इंडिया है वो सब एब्सेंट है कहीं ना कहीं। वही हिस्ट्री में उन्होंने दे हैव बट उसे कैप्ट अप देयर करेक्टर कि क्वेश्चन ऐसे ही उल्टे पुलटे से पूछने हैं है ना, जैसे ये क्वेश्चन एक आ गया पर है भी ये भी टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वही एरियाज हैं लेकिन सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं, मेजर एडिक्ट पे आ गया ये है ना, ये ट्रांसलेशन पे आ गया, ये आपके डायनेस्टीज पे आ गया, संगम लिटरेचर पे, रामानुजा पे, लेकिन वेयर इज दैट कंसेंशनल कन्वेंशनल हिस्ट्री। अभी देखो चैड, गुइना, लेबनान, ट्यूनिजिया है ना, तो अब ये सारे इंटरनेशनल अफेयर्स का टिपिकल क्वेश्चन है ठीक है, और ये भी देखो कंट्रीज पे आ गया, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, ये जब व्हेन वी 25 इयर्स बैक व्हेन वी यूज्ड टू गिव द पेपर, इस तरह के क्वेश्चन तब आते होते थे इंटरनेशनल अफेयर्स पे, डिफरेंट कंट्रीज पे, कि कंट्रीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट इफ यू लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखो तो ये इन इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी एक रिवाइवल ऑफ ट्रेंड है एक तरह से, एंड UPSC इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, और डेफिनेटली आप जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रिपरेशन की, वो किसी एक पेपर पे नहीं बनाते, नॉट इन वन पेपर, वो खतरनाक होता है, क्योंकि अगले साल क्या आ जाएगा पता नहीं, तो वी टेकन एवरेज ऑफ लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर पेपर्स। तो मैं आपको भी, बच्चों को जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी एग्रे करूँगा कि सिर्फ इस पेपर को देख के अपनी स्ट्रेटजी बनाने की गलती ना करें। हाँ ये भी एक पेपर है, बट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन लास्ट 5 ईयर्स पेपर एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ UPSC, कि हाउ इट बिहेव्स इन डिफरेंट ईयर्स है ना। तो लेकिन जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी, आई थिंक दे मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइड बाय गिविंग पेपर, उनको लगा होगा कि हाँ हमारी तैयारी का वैल्यू बढ़ा है।
right? So we will bring up more analysis on the paper in the coming week. कि करंट अफेयर्स के टिपिकल क्वेश्चन कितने हैं. वी विल गिव यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. इट इज़ नॉट अ चैनल, हमारा चैनल विकिपीडिया का, ये मेन्यू का चैनल. इट इज़ नॉट फॉर पॉपुलिज्म, इट इज़ नॉट फॉर एनीथिंग. इट इज़ गिविंग यू राइट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन. तो जो ये क्वेश्चन भी निकाले हैं, देखिए ईच एंड एवरी एक एक क्वेश्चन हमने, मैंने अपने हाथ से खुद कैटेगराइज किया है, एक एक हाथ से खुद कैटेगराइज किया कि ये इकोनॉमी का है या ये पॉलिटी का है या ज्योग्राफी का है. इसमें कोई वो नहीं है, मतलब स्पेकुलेशन नहीं है कि खाम खाए कुछ भी बोल दूं मैं कि एनवायरनमेंट से इतने आए जी, एनवायरनमेंट से तो आया नहीं जी, एनवायरनमेंट से तो सारा ही आ गया जी. एंड आई हैव टोल्ड यू द मार्जिन ऑफ एरर्स आल्सो, मार्जिन ऑफ इंटरप्रिटेशन आल्सो. इसी तरह से मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि करंट अफेयर्स के एक्चुअल क्वेश्चन कितने थे, सो दैट यू आर रिफ्रेन फ्रॉम फॉलिंग इन टू ट्रैप ऑफ फ्रिवलेस चैनल्स जो कुछ भी बोल देते हैं और आपकी तैयारी को एक्चुअली डिरेल कर देते हैं, किसी और डायरेक्शन में लगा देते हैं. As a teacher with 25 years experience, it's my responsibility to guide you properly so that aapko at least you are having access to the right information. That is what I visualize, ki sahi information aapke paas honi chahiye. You have a right to prepare in a with correct information. Theek hai, to main aapke liye lecture next ek ek question analyze karke ki ha ye current ka banta hai ya nahi banta with proper justification I will bring you a lecture. Haan, is baar itna main bata dunga aapko, current ke question comparatively एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ज़्यादा थे. कितने थे वो मैं आपको विद फैक्ट्स विद फिगर्स बताएंगे, राइट. नॉट लाइक कि मैं आपको ऐसे ही कह दूँ 50 क्वेश्चन करंट के थे जी, 60 क्वेश्चन करंट के थे. इट्स नॉट लाइक दैट. आई विल गिव यू एग्जैक्ट फिगर कि हाँ ये क्वेश्चन करंट का. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सो बेस्ट ऑफ लक एंड थोड़ा रिलैक्स करो रात को. जिन्होंने पेपर दिया है टेंशन नहीं लेनी, अपना पेपर देखना है, नंबर निकालने हैं, इससे पीछे हटना नहीं है, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. आप पहला टर्म दे रहे हैं, सेकंड टर्म दे रहे हैं, आपका अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, इन सब से ऊपर एक चीज़ है, पेपर को एनालाइज करना इज मस्ट. आपने पेपर अभी दिया है, अपनी गलतियां नोट डाउन करनी है कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन करे, इतने मेरे गलत हुए, इतने मैंने छोड़े, कौन से मेरे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जो मुझे आते थे, क्या गलती मैंने करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. ये चीज़ें अभी नोट डाउन करने का वक्त है. बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं पेपर खोल के भी नहीं देखते. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है ना, आपको अभी अपना अच्छा पेपर एनालाइज करना है. और आपको अगर लग रहा है कि हाँ आप एक कट ऑफ रेंज के आसपास आ रहे हो, तो आपको अपनी मेंस की तैयारी इमीजिएटली प्रारंभ कर देनी है विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बिकॉज वक्त जो आगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत शॉर्ट है. तो अपने आप को कंपोज योर सेल्फ. अगर आपका प्री हो रहा है, विद इन 2-3 डेज आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आई एम इन रेंज, एटलीस्ट होना ना होना चलो फालतू की बात, लेकिन आई एम इन रेंज, मैं रेंज में हूँ, मेरा हो सकता है, तो अपने मेंस की कॉपियां उठा लेनी है बस. राइट, विद दिस वर्ड्स आई एंड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन आफ्टर 1 or 2 days. राइट, थैंक यू. बाय बाय.